इसलिए इरादा करें इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत करेंगे। आज अगर ईमान पर डाका डालने वाले आएंगे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज अगर मेरे अकीदे पर डाका डाला जाएगा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हम जन्नत में अकीदे की बुनियाद पर जाएंगे। मेरा अल्लाह एक है, अल्लाह का हर फरमान सच्चा और हक है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक और सच है। अल्लाह के एक एक फरमान पर मेरी कामयाबी है, रसूलुल्लाह के फरमान पर मेरी कामयाबी है। अल्लाह उसके रसूल पर अकीदा अगर दुरुस्त होगा, याद रखो मेरा ईमान मुकम्मल होगा। अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आज कुछ लोग आए अकीदे पर डाका डाल रहे हैं, अंदर से खोखला करने की साजिशें चली हैं कि मुसलमानों को अगर मिटाना है उनके दिल के अंदर से अल्लाह की मोहब्बत को निकाल दो, उनके दिल के अंदर से रसूलुल्लाह की मोहब्बत को निकाल दो। अल्लाह के नबी को आखिरी रसूल नहीं मान रहे हैं। अल्लाह अकबर। जबकि कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपके तरीके पर 100% कामयाबी है, कयामत तक के लिए ये आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं, सबसे पहले भी हमारा नबी, सबसे आखिर में हमारा नबी। अब कयामत तलक है हमारा नबी, कयामत तलक है हमारा नबी, अब हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये खातिमुन नबीयीन है। नबूवत आप पर खत्म हो गई, रिसालत आप पर खत्म हो गई, किताब आप पर खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें एक अजीम नबी दिया, अजीम किताब दिया, अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। वमन यबतगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक्बल मिन, अब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन अगर कोई लेकर आएगा हरगिज हरगिज उससे ये चीज कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, कि आज मैंने तुम पर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को मुंतखब कर लिया है। رضيت بالله ربا, मैं अल्लाह से राजी हूँ रब मानकर, وبال اسلام دينا, इस्लाम से राजी हूँ दीन मानकर, وبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم से राजी हूँ नबी मानकर। मैंने मोहम्मद को नबी मान लिया है, अब मेरे दिल में किसी और को नबी मानने की जरूरत नहीं है, जगह नहीं है। लिहाजा ये जान निकलेगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हुए, मेरा ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, मेरा कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा अमल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा मामला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा मुआशरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे अखलाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा ईमान भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कीमती दौलत मिली है उसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ہر اعتبار سے داخل ہو جاؤ, ایمان کے اعتبار سے بھی داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ نہیں, کبھی دل چاہا ادھر چلا گیا, کبھی دل چاہا ادھر چلا گیا, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, اب مجھے جو چیز ملی ہے آخری چیز ملی ہے اسی پر رہوں گا, جان کٹے کٹنے دو कि मेरा ईमान है मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईमान के एतबार से भी पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आमाल के एतबार से भी पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और मामलात के एतबार से भी पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ।
फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाया ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, व क़ूलू क़ौलन सदीदा हमेशा सच बात कहो, चाहे गर्दन कट जाए सच कहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए सच कहूंगा। वकूलू कौलन सदीदा, अल्लाह ने हमें तीन बातों का हुक्म दिया, ईमान वालों ईमान की हिफाजत करो। नंबर दो में फरमाया कि अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। डरने वाली अगर कोई चीज है तो अल्लाह की जात है। हमें अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारना है। मामलात के बारे में भी अल्लाह से डरेंगे, इबादत के बारे में भी अल्लाह से डरेंगे, अखलाक के बारे में भी अल्लाह से डरेंगे, मुआशरे के बारे में भी अल्लाह से डरेंगे। अरे कितना दिन जिंदा रहोगे, जितना दिन रह जाओ, आखिर एक दिन कब्र के पेट में सबको जाना है। कैसे कैसे आए चले गए, हम भी चले जाएंगे। लिहाजा चंद दिन की जिंदगी लेकर इतनाने वालों, चंद दिन की जिंदगी लेकर घमंड करने वालों, चंद दिन की जिंदगी लेकर मुआशरे के अंदर फितना बरपा करने वालों, चंद दिन की जिंदगी लेकर अपने आप को बड़ा समझने वालों, चंद दिन की जिंदगी लेकर तकब्बुर करने वालों, चंद दिन की जिंदगी लेकर गुरूबाजी करने वालों, सुनो कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होगे, जिंदगी का हिसाब किताब देना है। कैसे कैसे आए दुनिया के अंदर चले गए, बड़े बड़े आए चले गए, ओहदे वाले आए चले गए, पैसे वाले आए चले गए, रुस्तुम पहलवान भी चला गया, सोहराब पहलवान भी चला गया, शद्दाद जैसा दौलतमंद भी चला गया, फिरौन जैसा जालिम बादशाह भी चला गया, नमरूद जैसा जालिम बादशाह भी चला गया। अरे सब चले गए, मैं और आप भी दुनिया से चले जाएंगे, मेरा वजूद मेरा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आज मुझे पहचानते हैं, कल मर जाने के बाद साल दो साल के बाद मेरे कब्र को भी कोई याद नहीं रखेगा। के रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, के रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, के रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है, अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है, अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात बाकी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है, सिर्फ खुदा की जात बाकी, सारी दुनिया फानी है। तो मेरे अजीजों मेरे बुजुर्गो, ईमान की हिफाजत करेंगे, अकीदे को दुरुस्त करेंगे, आमाल को दुरुस्त करेंगे और अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से डर कर, अल्लाह ने हमें बेकार नहीं बनाया, हम दन दनाएंगे फसाद मचाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा जिंदगी गुजारेंगे, हमसे पूछ नहीं होगी। फरमाया अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसं व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम क्या
क्या ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेकार बनाया है, तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगे? नहीं नहीं सुनो, तुम जितना दिन भी जिंदगी गुजार लो, आखिर एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। 100 साल जिंदगी गुजार लो, मेरे पास आओगे। 80 साल रहकर भी मेरे पास आओगे, 70 साल रहकर भी मेरे पास आओगे। किस किस हाल में तुमको उठाऊंगा और तुम्हारे एक एक अमल का हिसाब लिया जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इसी बस्ती के अंदर चंद दिन पहले कुछ लोग थे, आज हमारे माहौल के अंदर नहीं है। आज पिछले रमजान में थे, इस रमजान में हमारे साथ नहीं रहे। पिछले ईद में थे, इस ईद में हमारे साथ नहीं रहे। आइंदा कौन होगा नहीं होगा हम और आप जानते नहीं है। लिहाजा चंद दिन की जो जिंदगी देकर अल्लाह ने हमें भेजा है, ये मुआशरे के अंदर हम सुधार पैदा करेंगे, मुआशरे की गंदगी को खत्म करेंगे, मुआशरे के अंदर अच्छा माहौल पैदा करेंगे, मुआशरे के अंदर कुरान के फिजा को आम करेंगे, मुआशरे के अंदर सुन्नत की फिजा को आम करेंगे, मुआशरे के अंदर मोहब्बत को आम करेंगे, मुआशरे के अंदर प्रेम को आम करेंगे, मुआशरे के अंदर इंसानियत को आम करेंगे, मुआशरे के अंदर से जुल्म का खात्मा करेंगे, मुआशरे के अंदर से अकीदे का, मेरे दोस्तों, बदअकीदगी का खात्मा करेंगे, मुआशरे के अंदर नौजवानों को सुधारने की कोशिश करेंगे, मुआशरे के अंदर मोबाइल जैसी गंदी चीज का जो रिवाज चल पड़ा है, आज मेरे दोस्तों, मेरा नौजवान तबाह व बर्बाद है, मेरी बच्ची तबाह व बर्बाद है, बच्चे बच्चे तबाह व बर्बाद है, ऐसा मुआशरा आज जन्म ले रहा है। मेरे दोस्तों, पीछे हालात को देखो, अगर इन पर रोकथाम नहीं किया गया, मकतब के फिजा को आम नहीं किया गया, तालीम को आम नहीं किया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को आम नहीं किया गया, याद रखो और चंद साल के बाद मुआशरा खराबी की तरफ जा रहा है, तहस नहस हो जाएगा, कयामत करीब है। अल्लाह के नबी ने कहा था, एक जमाना ऐसा आएगा मुसलमान सिर्फ नाम का रह जाएगा, एक जमाना ऐसा आएगा मेरे दोस्तों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, एक जमाना ऐसा आएगा कुरान के सिर्फ हुरूफ बाकी रह जाएंगे। क्या वो हालात सामने नहीं आ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कहा था, एक जमाना ऐसा आएगा लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगेंगे, एक जमाना ऐसा आएगा माओं के साथ बदसलूकी किया जाएगा, क्या वो जमाना नहीं आया है? एक जमाना ऐसा आएगा मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, आलीशान मस्जिदें बनाई जाएंगी मगर इबादत से खाली होंगी, रूहानियत उनके अंदर नहीं होगी। एक जमाना ऐसा आएगा कुरान पर मेहनत करने वाले कम हो जाएंगे, आज पढ़ाना खूब हो रहा है मगर कुरान पर अमल करने वाले नहीं है। मुस्लिम मुआशरा आज हिंदुआना रस्म और रवाज के साथ में चल रहा है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अल्लाह के नबी ने कहा, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं के साथ में वो उठाया जाएगा। क्या गंदा मुआशरा मेरे मुआशरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ? आज हैप्पी बर्थडे टू यू ये जन्म ले रहा है, ये हमारा इस्लामी तरीका था? ये गैरों का तरीका मेरे मुआशरे के अंदर आया? सालगिरह मनाने का तरीका मेरे मुआशरे के अंदर आया? अरे सालगिरह को सालगिरह क्यों कहते हैं? ये साल गिरता जा रहा है और ये खुशी मना रहा है। तू कब्र के करीब हो रहा है के हो रही है उम्र मिसल बर्फे कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, हो रही है उम्र मिसल बर्फे कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, तेरी उम्र घटती जा रही है। एक बर्फ बेचने वाला मोटा बर्फ मार्केट में लेकर खड़ा हो गया, लोगों ले लो ले लो ले लो, ये मेरी सारी पूंजी है, नई खरीदेंगे तो ये पिघल कर सब बर्बाद हो जाएगा। किसी कहने वाले ने कहा है, इंसान की जिंदगी, कहा कि ये बर्फ की मानिंद है, ये पिघलते 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 खत्म हो रही है मगर ये हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहा। कहां से निकल आया?